नमस्कार दोस्तों आज से हम आपके लिए करंट अफ़ेयर्स की नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि आपके लिए यू पी इसके साथ साथ एम पी पी सी और जो आपका एस SI का एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड का उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पार्ट जो पार्ट्स चलने वाले हैं इसके आगे हंड्रेड क्वेश्चन के उन्हें देखेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए पुरजोर तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो जैसा कि आप सब जानते हैं चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप सभी इनकी तैयारी करके जाइए सेपरेट नोट्स बना लीजिए हम इसको अपने प्रैक्टिस सेट्स में तो कवर करेंगे ही साथ में आपको भी अपनी तरफ से एक बना लेना चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास माधवीपुरी बुच फर्स्ट का हो गया आपका माधवी पूरी बुच सेकंड क्वेश्चन है आपके पास भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगला क्वेश्चन है आपके पास हु विल लीड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर्स पब्लिक पॉलिसी एंड फिलैंथ्रोपी एफर्ट्स इन इंडिया एंड साउथ एशिया तो ये हो गया आपका समीरन गुप्ता क्वेश्चन नंबर फोर्थ हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू win a इन in इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ द पैरा आर्चरी वर्ल्ड world इन दुबई यू UAE? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास पूजा जाटियान ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये पैरा आर्चरी से रिलेटेड एंड पैरा ओलंपिक्स हो गया और वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ऑपरेशन गंगा लॉन्च्ड टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम विच कंट्री आप सभी को याद ही होगा यूक्रेन में अभी इंडियंस को लाने का काम चल रहा था यूक्रेन से तो उसी में जो ऑपरेशन जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन गंगा था तो एक कंट्री हो जाएगी आपके पास यूक्रेन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज ऑथराइज द यूज ऑफ अ प्लांट बेस्ड कोविड नाइन्टीन वैक्सीन कोविड पे क्वेश्चन है एक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास कैनेडा प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन कैनेडा में क्वेश्चन नंबर हु हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया तो प्ले पास आप इसको रिलेट कर सकते हैं गूगल प्ले से एंड ऐसे याद रख सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल और अगर आ जाता है तो आपको इससे याद करने में कोई परेशानी होगी नहीं क्वेश्चन एट है आपके पास विच टीम वन द फाइनल ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन एट ये आपका दबंग दिल्ली ने जीता है करेक्ट आंसर इज दबंग दिल्ली क्वेश्चन नाइन्थ विच कंट्री विल होज द थर्टी फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन गेम्स तो एशियन गेम्स हो गया आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया ओलंपिक्स हो गया जो रिसेंट है और जो होने वाले हैं इन सभी पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि इनका एक तो होने कहाँ वाले हैं और बाकी किसने कितने मेडल्स जीते ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम आगे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर टेन वन अमंग यू इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन यह हो जाता है आपका एम के स्टेलिन क्वेश्चन नंबर एलेवेंथ एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस बाय द इंडियन एयर फोर्स तो ये हो जाएगा आपके पास जैसलमेर जैसलमेर में ऑर्गेनाइज होगा अगला क्वेश्चन है आपके पास इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैज़ बीन लॉन्च इन विच सिटी तो ये हो जाता है आपके पास चेन्नई चेन्नई में इंडिया की फर्स्ट स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एक एम्बुलेंस लॉन्च uh, करी गई है आगे बढ़ते हैं विच कंट्री हैज स्टॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी आंसर इज फिनलैंड फोर्टींथ है हेरथ और द नाइट ऑफ हारा फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विद स्टेटी तो द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ वॉट इज द थीम ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो द करेक्ट आंसर इज रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम ये थीम्स जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हो गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया ओजोन डे हो गया वाटर डे जो आपका अर्थ डे हो जाता है इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी थीम्स एक तो डेज तो आपको याद रखनी है साथ में थीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आगे हम इस कभी को अपने जो आने वाले प्रैक्टिस सेट्स हैं उसमें कवर कराने वाले हैं वैसे भी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ विद स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब एरिया फॉर अप टू सिक्स मंथ्स ये आपका असम हो गया क्वेश्चन सिक्सटीनथ इज वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन लिस्ट तो इंडिया की रैंक बहुत पीछे हैन ट्वेंटी एथ है रैंक क्वेश्चन एटीन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड फॉर द बोल्ड्समैन मेडल इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बोल्ड्समैन मेडल काफी इंपॉर्टेंट है पहली भे, पहले भी पहले भी इस पर कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले सालों के पेपर में इसको नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आंसर इज दीपक धार क्वेश्चन 19, नेम द इंडियन शूटर हु रिसेंटली वन गोल्ड मेडल इन मेन्स टेन मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई एस एस एफ वर्ल्ड कप इन तो दैट वॉज सौरभ चौधरी काफी बड़ी अचीवमेंट है ये ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगला है विच इंडियन सिटी हैज क्रिएटेड गिनीज रिकॉर्ड बाई लाइटिंग एलेवन पॉइंट सेवन वन लैक लैम्प्स इन टेन मिनट ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि तो दैट इज उज्जैन महाकालेश्वर की धरती में आपका ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा गया है आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ पार्टनर्ड विद विच टू बूस्ट ए आई रेडीनेस तो दैट इज इंटेल अगला क्वेश्चन ट्वेंटी सेकेंड विद स्टेट बिकेम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विदुलेशन ओवर वन करोड़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो इसका हो जाएगा आपका तेलंगाना अगला क्वेश्चन द 2022 ट्वेंटी टू आई सी सी वुमन्स वर्ल्ड कप इज हेल्ड इन विच कंट्री तो दैट इज न्यूजीलैंड अगला है वॉट इज द थीम ऑफ जन औषधि दिवस ट्वेंटी ट्वेंटी टू दैट इज जन औषधि जन उपयोगी जन औषधि दिवस की ये थीम है इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन पे समर्थ इज अ स्पेशल एंटरप्रनोरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री तो समर्थ जो है आपका दैट इज लॉन्च बाई एम एस एम ई दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे विच हैज़ बीन रिसेंटली प्लेस्ड ऑन एफ ए टी एफ जो है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी दैट इज यू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन दिस आर बी आई हैज लॉन्च ट्वेंटी फोर सेवन हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स वॉट इज द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव दैट इज डिजी साथी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आर का इनिशिएटिव uh, है इसको आप नोट कर लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डी जी साथी ट्वेंटी एट्थ इज़ वॉट इज़ द थीम ऑफ ट्वेंटी सेकेंड इंटरनेशनल वुमेंस डे तो दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमॉर जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल वुमेंस डे ये सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाँ, इनमें से हाई प्रॉबिलिटी है कि एग्जाम्स में आएंगे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे अगला क्वेश्चन है आपके पास ट्वेंटी नाइन्थ विच इंडियन शिप इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन द स्लाइन एक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो दैट इज आई एन एस किर्च अगला क्वेश्चन है आपके पास द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन जी एस एम एज ऑर्गेनाइज दी टू मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इन बार्सिलोना स्पेन अगला क्वेश्चन इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा Is being built at which pilgrim site? So that is Bodh Gaya. Next is Rizwana Hassan has recently been selected for the International Woman of Courage Award for 2022. She hails from which country? That is Bangladesh. So this uh, award is important. awards. So this is one of them. Next is Which state has retained its number one spot in the Scotch State of Governance ranking for the second consecutive year? दिस विल भी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आपने सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर में स्टेट ऑफ गवर्नेंस में रैंक uh, वन हासिल करी है आगे बढ़ते हैं विथ स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ इनागरेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ वन फिफ्टी पॉइंट जीरो फोर करोर्स तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सोलर पावर प्लांट का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो दैट इज तमिलनाडु हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ आई आर डी ए आई इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू So that is uh, Debashish Panda. Next question. Which state's chief minister has announced a Sushma Swaraj award for women? Uh, that is Haryana. Uh, 37th. The first ever drone school has been inaugurated in which city recently by the Minister of Civil Aviation? So that is Gwalior. Which state government has launched women at work program? Uh, that is Karnataka. What is the theme of International Day of Mathematics 2022? दैट इज मैथमेटिक्स यूनाइट्स सो ये याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स यूनाइट्स अगला है द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द क्यू आर कोड बेस्ड जी आई टैगड हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री रिसेंटली सो ये हो जाएगा आपका जर्मनी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी टैग भी है इसमें कश्मीरी कारपेट और ये एक्सपोर्टेड टू जर्मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका विच यूनियन टेरेटरीज लेफ्टिनेट गवर्नर हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंडिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स सो ये आपका पुडुचेरी हो गया क्वेश्चन फोर्टी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड अ न्यू कैंपस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आर आर यू टू द नेशन इन विच सिटी तो ये आपकी गांधीनगर में है आर आर यू जो है आपकी यूनिवर्सिटी ये इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन फोर्टी थ्री इंद्रायणी मेडिसिटी इज प्लान टू बी सेटअप एज द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी इन विच ऑफ दिज सिटीज ये आंसर है करेक्ट आंसर इज पुणे ये मेडिसिटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका पुणे में सेटअप करी गई है अगला क्वेश्चन गेब्रियल बोरिक फॉन्ट बीन अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली सो दैट इज चिली नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं इन सभी जो भी नई कंट्रीज के अपॉइंट किए जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट होती हैं वो भी काफ़ी आती हैं काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क हैज़ बीन लॉन्च एट दैट इज आई आई सी बैंगलोरू फोर्टी सिक्स विद स्टेट हैज स्टॉप इन द लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन विद नाइनटी पॉइंट फाइव कवरेज अंडर मिशन इंद्रधनुष दैट इज ओडिशा टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा फोर्टी सेवंथ इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल सो दैट इन गुरुग्राम फोर्टी एट फिल्म बेस्ट फिल्म कैटेगरी अवार्ड एट द सेवेंटी फिफ्थ बाफ्टा अवार्डी ट्वेंटी टू सो दिस विल बी द पावर ऑफ द डॉग ये बाफ्टा अवार्ड्स ये पावर ऑफ़ द डॉग जो है मूवी काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है इसको आप आ, नोट कर लीजिए इनके सेपरेटली आप एक नोट्स बना लिया करिए जैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए नेशनल पार्कस हो गए और जैसे बाकी चीज़ें होती हैं उन सभी का सेपरेट पेपर में नोट ली आ, पे नोट्स बना लिए जिससे कि फाइनल डे पे रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी आपको फोटी नाइन्थ हो जाएगा आपके पास विथ स्टेट हैज लोएस्ट मेटरनल मॉर्टलिटी रेशियो इन इंडिया दैट इज केरला विथ इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द लास्ट फाइव For the uh, Best Documentary Feature Category at the Oscars. That is Writing with Fire. 51st. Who has won the Best Actor in Leading Role Category Award at 75th BAFTA Awards? Uh, that will be Will Smith. Who has won the Best Actress in Leading Role? Uh, jo best Actress apka? Uh, Joanna Scanlon. In India, the National Vaccination Day is observed annually on which day? That is 16th March. Uh, 54th. Name the cargo vessel which has become the longest vessel ever to sail on the river Brahmaputra. Uh, that will be Ram, MV Ram Bismil. Uh, 55th. India's first fuel cell electric vehicle FCEV has been launched by which auto company under a pilot project? So this will be Toyota. 56th. Who has been sworn as the new Chief Minister of Punjab? Uh, you sh uh, all should know this uh, Bhagwant Mahan. Uh, which country has topped the south asia in, uh, in south asia in terms of women on board of listed companies that will be bangladesh uh, india is the host country for the fide chess championship uh, chess olympia 2022 the tournament will be held in which city of the country that will be chennai next question uh, what is the uh, name of the winner of miss world 2021 beauty pageant uh, miss world 2021 will be carolina B uh, Belavaska. Uh, next question, 60th. Which city has announced detailed framework to zero out uh, carbon emissions by 2050 and became the first city in South Asia to set such a target? That will be Mumbai. Important question is Mumbai. Iska answer tha. Aage hai, which state has developed the Dishank app to ensure easy access to land records? Dishank app belongs to Karnataka state. Ko. What is the theme of International Day of Forest? Uh, that will be forest and sustainable production and consumption. Sixty third question: uh, Who reserved the sports? Uh, who received the Sports Star of the Year award, male, at the Twenty Twenty Two Sports Star Aces award? That is nia Chopra. Uh, question number sixty fourth: Name the Indian cricket player who has been felicitated with the Sports Icon Award at the Maldives Sport Award Twenty Twenty Two. That is Suresh Rena. Sixty uh, fifth. Uh, what is India's rank in the UN World Happiness Report for the year 2022? Uh, answer is 136. Uh, question number 66 Which organization has launched the military drill uh, cold response 2022? That will be NATO. Uh, Agla question is 67 Who has been appointed as the new Chief Minister of Manipur following the State Assembly elections 2022? तो आपके जो सी एम है वहाँ के चेंज नहीं हुए हैं एन बीरेन्द्र सिंह ही हैं मणिपुर के सी एम आगे बढ़ते हैं सिक्सटी एट क्वेश्चन पे विथ स्टेट्स जिंकिंग जी और लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेघालय का जिंकिंग झीरी और लिविंग रूट ब्रिज ये पक्का किसी ना किसी एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन सिक्सटी नाइन्थ नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज़ बीन इन by the यूनाइटेड Nations as ए member ऑफ द न्यूली established एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव multilateralism. So सो दैट विल बी जयती घोष यह आपका यू पी पी सी एस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सी ए पी एफ में भी आ सकता है ये क्वेश्चन सेवनटी एथ द ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाई विच बैंक टू ऑफर फुली ऑटोमेटेड ऑटो लोन्स दैट इज एच डी एफ सी बैंक ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन किससे लिंक होता है आपका एच डी एफ सी बैंक से कर्नाटका का क्या करा था अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑटो फर्स्ट किसका हो गया एच डी एफ सी बैंक का सेवेंटी फर्स्ट वाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे ट्वेंटी ट्वेंटी टू जैसे मैंने कहा था आपका इन सभी का जो थीम से बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम वाटर डे का कर लेते हैं आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल विजिबल सेवेंटी सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास विच सिटी हैज बीन एडजस्ट एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन आई क्यू एयर्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एनी गैसेस तो करेक्ट आंसर आपका न्यू डेली हो जाएगा सेवेंटी थर्ड है आपके पास विच स्टेट सेलिब्रेटेड द डोल उत्सव और द डोल यात्रा द फेस्टिवल ऑफ कलर्स तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपके पास वेस्ट बंगाल डोल यात्रा हो गया आपका वेस्ट बंगाल का मुझे कमेंट में बताइएगा हिल यात्रा कहाँ का है uh, अगला है आपका सेवेंटी फोर प्रिट्सकर प्राइस इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन एनुअली टू रिकोगनाइज द कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड द करेक्ट आंसर इज आर्किटेक्चर अगला है सेवनटी फिफ्थ क्वेश्चन विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम कम्प्लीटली पेपरलेस कौन सा स्टेट जो है इंडिया का वो कंप्लीटली पेपरलेस होने वाला है तो इसको देखते हैं हम आंसर इज नागालैंड सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड सो दैट विल बी देवेंद्र झजारिया सेवेंटी सेवन क्वेश्चन विच बिकेम विच प्लेस बिकेम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ दैट इट्स टेम्परेचर रीचेज फिफ्टी थ्री पॉइंट टू डिग्रीज ऑन द लास्ट इन द लास्ट समर तो आंसर भी आपका जो कंट्री हो जाएगी कंट्री पूछी हुई है कुवैत हो जाएगी सेवेंटी एट विच कंट्री हैज़ बीन एडजस्ट एज द वर्ल्ड मोस्ट पोलूटेड कंट्री इन आई क्यू एयर्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कैपिटल सिटी अभी हमने करी थी न्यू डेली थी और जो कंट्री है आपकी बांग्लादेश एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोलूटेड कंट्री सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन हो जाता है आपके पास वॉट इज द थीम ऑफ विंग्स इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो दैट इज इंडिया एट द रेट सेवेंटी फाइव न्यू हराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री तो इसको याद रखिएगा विंग्स इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी टू की थीम है आपके पास इंडिया एट सेवेंटी फाइव जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं उससे हो गया आपका इंडिया एट द रेट सेवनटी फाइव न्यू हराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द विनर ऑफ द एबल प्राइज फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये मैथमेटिक्स का नोबल कहा जाता है एबल प्राइज तो ये दिया गया आपका डेनिस पार्नल सुलीवेन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैथमेटिक्स का नोबल जिसे हम एबल प्राइज जो इसका नाम है ये दिया गया है डेनिस पार्नल सुलिवेन को एटी फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टी बी डे तो यह हो जाता है आपका इन्वेस्ट टू एंड टी बी सेव लाइफ्स इन्वेस्ट टू एंड टी बी एंड सेव लाइफ्स ये हो जाता है आपका टी बी डे का एटी सेकेंड क्वेश्चन

स्टॉक होम वाटर प्राइस इसको भी आपको नोट करके रखना है विच स्टेट हैजॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स ई पी आई यू टी में कौन था आपका डेली था एंड स्टेट में कौन है आपके पास गुजरात डेली एंड गुजरात ये दोनों नाम आपको याद रखना है फॉर एक्सपोर्ट प्रपेरडनेस इंडेक्स एटी सिक्स वेर इज़ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब लोकेट आर बी आई एच लोकेट दैट इज़ इन बेंगलुरु आर बी आई का हब कहा है बेंगलुरु में आर बी आई का जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे है क्या वो दिल्ली में है या नहीं दिल्ली और बॉम्बे आपके पास दो ऑप्शन है बता दीजिएगा कहाँ पे है आर के हेड क्वार्टर्स विच टीम हैज़ वन द थर्ड एडिशन ऑफ सैफ अंडर एटीन वुमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप सो दैट विल बी इंडिया सैफ अंडर एटीन वुमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप किसने जीती है इंडिया ने क्वेश्चन एटीन द ईशान मंथन फेस्टिवल टू शो केस कल्चर क्राफ्ट एंड क्विजीन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया

कोडा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फर्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द थीम ऑफ अर्थ आर डे इन ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू आंसर इज शेप आर फ्यूचर अर्थ आर डे का आपका थीम हो गया शेप आर फ्यूचर द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एम आर एस एम हैज़ बीन डेवलप्ड बाई डी इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री तो ये हो गया आपका इज़राइल एम आर एस एम इंडियन वर्जन जो है आपका वो है इज़राइल विच कंट्रीज गिलबर्ट हूंगो हैजी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई एल ओ तो ये हो गया आपके पास टोगो आई एल ओ की जो डेट है आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब फॉर्म हुआ था ये आई एल ओ अगला है हु हैजीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया सो दैट विल बी शशि शिन्हा

अगला है नाइन्टी सेवेंथ पी एम मोदी वर्चुअली अटेंडेड द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट विच कंट्री वॉज द चेयर ऑफ बिमस्टेक इन दिस समिट तो करेक्ट आंसर विल बी श्रीलंका सो नाओ इसका करेक्ट आंसर आपका श्रीलंका हो गया है तो so, अब हम अपने वीडियो के एंड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की ये वीडियो पसंद आई होगी आपने अगर लाइक अभी तक नहीं कराया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आगे हम आप आपको आप ये वीडियोस और जो इसकी सीरीज आने वाली है हंड्रेड क्वेश्चन की वो आपको आराम से एक्सेसिबल हो जाए तो चलिए आखिरी के तीन क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं नाइनटी एथ क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज टॉप अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड विल बी उत्तर प्रदेश नाइन्टी नाइन क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग फॉलोइंगी बी सी इंडियन स्पोर्ट्समैन अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड सो दैट विल बी साई खाउ मीरा बाई चानू एंड क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इज जी ओ आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एम एस एम ई परफॉर्मेंस रैम्प वॉट इज़ द टोटल आउटले ऑफ द स्कीम तो रैम का जो टोटल आउटले है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हंड्रेड क्वेश्चन इसको काफ़ी नोट करके रखिएगा आप सो द टोटल आउटले ऑफ द स्कीम इज़ यू एस डी एट ओ एट मिलियन इसे याद करना आसान है एट ओ एट मिलियन सो आप इस क्वेश्चन रैम का आउटले कितना है एट हंड्रेड एट मिलियन तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो समाप्त होती है उम्मीद है कि आपके सारे करंट अफेयर्स पसंद आएंगे एंड uh, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आएँ एंड आप इन सभी को सही करें सो so, uh, दोबारा से आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपने नहीं किया है So thank you so much and uh, have a great day.